नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में सीएम भगवंत मान की कोरोना की महामारी से निपटने को लेकर समीक्षा बैठक के बाद राज्य में कोविड टेस्टिंग में मामूली सुधार देखा गया है। टेस्टिंग के बढ़ते ही कोविड पेशेंट भी बढ़ने लगे हैं। 23 दिसंबर को राज्य में 3 नए पेशेंट मिले हैं। रोपड़ से एक, संगरूर से एक और SBS नगर से भी एक केस मिला है। 22 दिसंबर को पंजाब में कुल कोविड पेशेंट की संख्या 9 थी। इनमें से अमृतसर, फरीदकोट और गुरदासपुर से भी 3 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसों की संख्या 18 पहुंच गई है। पूरे पंजाब में 23 दिसंबर को कुल 3098 कोविड सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 2973 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही 3 नए कोविड पेशेंट मिले हैं, जबकि अब से पहले कोविड सैंपलिंग कम किए जाने पर सवाल बने हुए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों से देश चिंतित है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर अभी पूरी तरह अलर्ट नहीं हुई है। 23 दिसंबर को पंजाब के 7 जिलों में कोविड टेस्टिंग 50 से भी कम रही है। सबसे कम फाजिलका में 8 और मेलरकोटला में 12 कोविड टेस्ट किए गए हैं। इनके अलावा बरनाला में 42, फरीदकोट में 32, कपूरथला में 28 और मनसा में 18, मूंगा में 30 और मुक्तसर में 33 कोविड टेस्ट किए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।